दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बर्थडे स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तुरंत ऑन करो। दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको करना है कि आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर ले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिखाया जाता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर आपको दिखाया देगा प्लस का आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देते हैं, आपको दिखा देंगे ढेर सारे ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्टोरी पोस्ट रील और लाइव दिखा देंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टोरी पर। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग स्टोरी पर क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा गैलरी का ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग गैलरी के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं सेलेक्ट किया हूँ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल दोस्तों करना है क्या है कि आपको अब आ जाना है फॉन्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एरो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे दोस्तों लोग फॉन्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, उसके दोस्तों उस प्रक्रिया को फास्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं सेकंड लाइन को करता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको हैप्पी जैसे हैप्पी में दोस्तों पांच वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पांच लाइन दोस्तों यहाँ पर बना लेना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप लोग डन करते हैं, उसके बाद दोस्तों उस पर आप लोग टच करके दोस्तों से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसे घुमा कर आप लोग अपने स्क्रीन पर या जहाँ पर चाहे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर करना है क्या कि आपको यहाँ पर बीच में दोस्तों टाइप करना है। ऐसे आप लोग टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक लिखना है एच। ठीक है, ऐसे दोस्तों लिखने के बाद यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, एच को दोस्तों यहाँ पर आपको लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं एच को लगा दिया। ऐसे कहते दोस्तों आप लोग हैप्पी दोस्तों लिख देना है पूरा। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने हैप्पी को दोस्तों लिख दिया। ठीक है, अब जो दोस्तों मैंने आपको डेमो के तौर पर दिखा, दोस्तों यहाँ पर आप लोग काफी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप दोस्तों सिंपली कहते हैं कि यहाँ पर आपको स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं एरो के ऑप्शन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक कर दे, उसके बाद दोस्तों जो भी फोटो आपको लगाना है यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। नीचे दोस्तों आपको प्लस का आइकन दिखा दे, इस पर आप लोग क्लिक कर दे, उसके बाद यहाँ पर जो भी फोटो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों अपने फोटो पर दोस्तों टाइप करना है। ठीक है, जिस भी दोस्तों सर्कल में आपका फोटो हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सर्कल में फोटो होने के बाद यहाँ पर आपको लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों दोबारा से आपको स्टिकर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्कल। ठीक है, सी आई आर सर्कल। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग सर्कल सर्च करते हैं तो आपको सारे ढेर सारे सर्कल आते हैं। यहाँ पर आपको सर्कल सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको दोस्तों अपने फोटो पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आपको अच्छा दिखने में लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यह मैंने आपको डेमो तौर पर दिखा दिया कि दोस्तों कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम से बर्थडे स्टोरी या फिर बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग काफी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्टिकर पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि म्यूजिक का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखा देगा म्यूजिक का ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों काफी चीजें आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके, ठीक है, थ्री डॉट पर क्लिक कर यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखा दिया। इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप जो स्टोरी क्रिएट करेंगे वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो।